हाँ इसका पूछ में लाल नहीं है, जैसे इसमें लाल है जो हम लोगों ने देखा था, हाँ इसमें लाल है। तो ये वाला देखिए नीचे में होता था, ये अभी ऊपर आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर है कुत्ता, लुल्लु लुल्लु लुल्लु, इसका नाम है जूली। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, इट्स योर बॉय पेम्स। तो गाइस आज हम लोग सुबह सुबह देख सकते हैं यहाँ से कहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है रूपा में, इसलिए अभी बस रहे सुबह का 5:30। अभी हम लोग यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं, पीछे हैंडसम दो है यहाँ में और बैठा है। तो गाइस वीडियो को देखते रहना, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो अभी मिलते हैं सीधा जाके रूपा पर। हम लोग पहुंच चुका है, वो आगे आगे सर लोग है, वो सर हम लोग को बता रहे पूरा चिड़िया का नाम। हम लोग इतने भाई लोग भी है, ये मेरम। तो चलते हैं सर के पास फटाफट, ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना पड़ता। सर ने अभी अच्छा से फोटो खींच रहे एक एक करके। नहा बहुत ये चलो 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 आगे देखते देखते चलो। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग ये कॉमन प्लांट्स ला रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सब झाड़ काट रहे हैं, धीरे धीरे जो असली चीज थी आपके यहाँ की वो तो चली जा रही है और ऊपर और नीचे से और ऊपर आ रही है। तो अगर आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा क्या चीज हमारे यहाँ थी जो चली गई और क्या चीज आ गई। आप लोगों के ऊपर है कि आप वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हो। अभी हम टी शर्ट पे देख रहे थे ना कि सेव वाइल्ड लाइफ कैसे करोगे, लोकल श्रब, लोकल फूड प्लांट, गार्बेज नहीं, गंदगी नहीं। जो ये कॉमन वाली है ना बर्ड, ये क्या करती है, ये कुछ भी खा लेती है, चावल है वो भी है। ये रियल फॉरेस्ट की बर्ड है, ये नहीं है कि आपके घर के पास आके नाली पे चावल खा लिए, रोटी खा ली। बट इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन हो गया, ये वाली बुलबुल डिस्प्लेस हो रही है, वो दिख रही है ऊपर, देखो सब लोग देखो, सब देखो, एक एक करके देखो। पहले यही हम जंगल में तो जाएंगे, पहले आप अपने एरिया में देखो वाटर खत्म। कोई भी सोसाइटी, कोई भी रिलीजन अपने नेचर को खत्म करेगा, दिस शुड बी, इसको क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। ये एक्चुअल वाइल्ड लाइफ रिसर्च नहीं है, ये एक्चुअल आपका लाइफस्टाइल है। 50 बर्ड्स हैं,
आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारे इंट्रूशन की वजह से, हमारी एक एक झाड़ काट देने की वजह से गन्ने में थोड़ी ना रहती है। अब आप देखो इसका रिलेशन इस पेड़ का, क्या फ्रूट खाने आए ना। अब आप इसका नाम बताओ, क्या नाम है? लाल नहीं है, जैसे इसमें लाल है जो हम लोगों ने देखा था। हाँ, इसमें लाल है। तो ये वाला देखिए नीचे में होता था, ये अभी ऊपर आ रहा है। हाँ, अभी ऊपर आ रहा है। इसका पॉपुलेशन कम कर रहा है अभी, ऊपर से जो आके। हाँ, ये जो ब्लैक बुलबुल का कम कर रहा है, लिपस्टिक वाला बुलबुल, लिपस्टिक वाला बुलबुल लाल वाला। हाँ, आपको बुक में सब मिलेगा, इसका प्रजाति कहीं नहीं मिलेगा। की करेगा, हाथ जबरदस्ती ताने रहे, पूरा वीडियो ही रहे जिन्हें। हमको बाहर लाल रंग देख रहे थे ना, ये बर्ड का चिड़िया को, वो लाल रंग नहीं, वो अलग दिखाई देता है। तो आप लोग ने इतना कुछ चिड़िया का नाम बोल चुका है, क्या क्या याद होगा हमको? अब तक दो ही होगा सर। क्या क्या दो? क्या क्या? रेड वेंटेड बुलबुल एक है, और एक तो होगा हिमालयन ब्लैक वेंटेड। तो गाइस सुन लो, अभी ये लोग ने इतना कुछ किया सर, वो सर से पूछ लो सर। तो सर आप कुछ बोलिए थोड़ा सा, आज आप लोग आया या स्टूडेंट लोग को इतना अच्छा से मतलब गाइड किया सर, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, तो आप लोग थोड़ा बोल दीजिए या मैं अपना जगह कि कैसे लगा अरुणाचल। रूपा वेस कमिंग, रूपा तो जैसे नाम रूपा है जी सर, तो मतलब सच में ये जगह मतलब अपरूपा है जी, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में जी सर। लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जी सर, और यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छा है जी सर। जितना भी लोग मतलब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं सब रूपा के बारे में बोलते हैं, बहुत सुंदर जगह है बोल के जी सर। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पक्षी है, टूरिस्ट लोग भी आते हैं, लेकिन गांव का लोगों को बहुत कम पता है जी सर। तो टूरिस्ट गाइड लोग भी आते हैं, लेकिन कोई बाहर से आता है, सब बाहर से आता है, वेस्ट बंगाल से आते हैं, आसाम से आते हैं। तो यहाँ का बच्चा लोगों को ये, इसलिए ये जो नॉलेज जी सर, टूरिज्म का नॉलेज और बर्डिंग जी सर, मतलब अभी छोटा इस उम्र से ही वो सिखाने का बहुत जरूरी था। ये जो अनुपसंग मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चा लोग, वो लोग खुद वो टूरिज्म में आएगा, और वो लोग हाँ वाइल्ड लाइफ को प्यार करेगा, प्यार तो करेगा। और इनकम होगा तभी तो बसाएंगे ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं सर, वो लोग सब चला गया। नहीं सर, हम भी फर्स्ट टाइम है ना, तो हम लोग मतलब किसी ने भी मतलब अभी तक नहीं बोला था, नहीं बोला। ये मेरा हमने बोला, वो भैया को बोला था। हा, हा, तो भैया हम लोग ने इकट्ठा करके ये स्टूडेंट लोग, इसलिए अच्छा लगा ना सर। अभी चलते हैं नीचे, मेरा सर छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसमें डालने से अच्छा है ना सर, और स्टूडेंट लोग देखेगा। अभी देखिए सर, आपने इतना बोला और स्टूडेंट लोग देखेगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना, फिर ऐसे करके तो आगे बढ़ते सर। जी सर, सर का नाम जो आपने पूछा ही नहीं सर। मेरा नाम मानसून गोगोई है। मानसून गोगोई ना सर, आप तो गुवाहाटी का होगा सर? मैं अगर काजीरंगा में है। काजीरंगा में है जी सर। और बेसिकली मैं पक्षी तो पसंद करता हूँ, और तितली के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। तितली का ना सर, आप लोग का सेडुक पेन के ऊपर भी बहुत, हम लोग दोईमेरा में काम कर रहा था जी सर, लास्ट 3 साल से जी सर। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ओके, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। फाइनल गाइस, अभी हम लोग वहाँ जाके आ चुके हैं, फर्स्ट में वहाँ गया था। ये देखो पास में हम लोग कहाँ ट्रक गया था, 2 किलो से ऊपर ना वहाँ ट्रक गया। सर लोग ने थोड़ा बताया मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो उसके बाद हम लोग आया था यह हाइडल साइड। अभी यहाँ में हम लोग यहाँ से करके जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ इसने किया होगा सुबह। क्या बोल रहे, हम इसका घर में सबसे पहले पहुँचा, मजा किया। हम लोग बिस्तर में सो के बैठा था सुबह। हम लोग आज घर से निकला, क्योंकि काली बोल के रखा था सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड्स लोग तो सुबह ही निकलते, तो वॉइस भी मतलब साउंड लोग भी सुबह बहुत अच्छा आते हैं, इसलिए हम लोग 5:30 को ही निकल गया था। तो देन अभी यह कि हम लोग इधर उधर चल के सर लोग ने बहुत कुछ समझाया भी ना, सिखाया भी। और तुम दोनों को कैसे लगा? और कल हम लोग मालूम नहीं क्या होगा, कल सर लोग बोल रहा था कि जीगांव शेरगांव का ही जाएगा बोल के। तो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, वीडियो को देखते रहना। ये देखिए कितना सुंदर है कुत्ता, लुल्लू लुल्लू लुल्लू, इसका नाम है जूली।
सुल्तान है, कुत्ता है, सुल्तान सुल्तान सुल्तान। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ये भाईजान ये मास्क पहन के शर्म कर रहे हैं। ये देखिए ये बहन प्लेट दे रहे, ये भैया प्लेट ले रहे, खांसी आन समझो दिखाने बाद में। हाय गाइस, तो लेके आओ ना कहाँ से ब्रेकफास्ट। मेरो पेमा वांगदी पिटबुल का भाग्य बहन, पिटबुल का तलाश में था हम, भाग्य तो बहुत। अभी डालो बहन लोग, डालो भाई लोग डाल दो यार दाजू आंग देसे यार दाजू दाजू सलाम। तो तमो उन्हें ठुल्लो अंतर दाजू तो बन्नो बस। ये देखो एक थक गया होगा ना तुम भी, हाँ बुरी की थक गया होगा ना तुम भी, थक गया। हमने कितने जैसे तितली देखा यहाँ पे, देख सकते ये दोनों का फोटो शूट निपे फोटो खींग भाई बार हम। तो अभी सर लोग भी आ चुका है, सर बैठिए। ब्लॉग चैनल पे कुछ बोल दीजिए। अरे तो हम ब्लॉग भानिया मल आगे सर खुद तो कि भन्न। तो आज का नजारा देख सकते हैं, सुबह सुबह का रूपा का नजारा कुछ ऐसा है। एक सुबह दिखाने लो ये दोनों को भी दिखा, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और इसको भी। इससे नीचे गिरेगा तो आप मर सकते हैं। यहाँ से नीचे गिरेगा तो क्या होगा तेरा, मर जाएगा। हाँ मर जाएगा, तो मास्क खुल देना एक बार, इतनी शर्म की ना कर से मास्क खुल देना। तो एक यहाँ ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, ये ज़्यादा बहुत मेकअप करके आए ना इसलिए मास्क खोलने के लिए शर्म कर रहे हैं। ये बहन फोटो खींच रहे हैं यार, सर और बहन एकदम अच्छा लग रहा है सर। सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके। तो अभी हम लोग आया यार सर्किट हाउस में, यहाँ में कुछ वो लोग हम लोग को, अभी प्रधानमंत्री तो नहीं आएगा, हम लोग को कुछ बताएगा होगा अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्या होगा क्या नहीं कुछ बताएगा। ये देखो ये बोल रहे कि नरेंद्र मोदी का बेटा है। गाइस वीडियो को एंजॉय करिए। हम अभी अभी मतलब ऊपर जाके वो मेरम कवा में ब्रेकफास्ट किया था। तो ब्रेकफास्ट कैसे लगा आप लोगों को, कैसे लगा ब्रेकफास्ट? बहुत ब्रेकफास्ट में पूरी बनाया था, वो वीडियो तो ले नहीं पाया, ये लोग सब खाने में बिजी था। अच्छा तो वो ना थी ना घोर में नुंग भी नहीं मुरम बुलुंग में, ये तो पूरा घोर में ना फूटाने से कुछ नहीं होगा। इसका फोटो खींच दो ना जो नरेंद्र मोदी का बेटा है, मत खींचो मत खींचो। हाँ क्या वहाँ में काम ही कब होगा बोला। Yeah, I got it.
मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पक्षी किससे तैयार हुआ है, टाइगर बर्ड से। जैसे मैंने क्यों बोला था वो देखा, अब आप देखो ये 270 करोड़ साल पहले, कितना 270 करोड़ ईयर्स एगो सब लोग क्या थे, बेस रेप्टाइल जो था, सब लोग जैसे हमारा लिजर होता है या फिर सांप होता है, तो ये सब प्राणी यहाँ थे। वो उससे क्या इवोल्यूशन हुआ, डायनासोर के पूर्वज तैयार हुए, वो कब तैयार हुए, 230 करोड़ साल पहले। उसके बाद आए डायनासोर, 65 करोड़ ईयर्स पहले डायनासोर थे। डायनासोर से बड़े बर्ड, बर्ड आप अगर देखोगे तो बर्ड 65-50 मिलियन ईयर्स है, वो मतलब 50 लाख साल पहले इनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड ये हुए, कौन कब तैयार हुआ है। आप अगर देखोगे डायनासोर यहाँ क्या हुआ, उनका पिंड गिरा, सब मर गए यहाँ, ये मरने के बाद जो बच गए, ये बचने के बाद पक्षी तैयार हुए। उसी वक्त आप देखो जब पक्षी तैयार हुए उसी वक्त प्राणी तैयार हुए, मतलब हम लोग सस्तन प्राणी है, हम लोग तैयार हुए, टर्टल तैयार हुआ है, सांप तैयार हुए है, लिजर्ड है, उसके बाद कुआ द्वारा करके एनिमल है, ये सब आप एनिमल देखो, क्रोकोडाइल इसमें देखो, क्रोकोडाइल यहाँ तैयार हुआ है। तो आज अगर किसी में हम लोग क्रोकोडाइल जो होता है वो डायनासोर से भी पुराना है, याद रखो आप, ये देखो डायनासोर भी यहाँ था, क्रोकोडाइल यहाँ से लेके यहाँ तक जिंदा ही है, आप अभी भी जिंदा है शायद, हम तो इंसान मरने के बाद भी क्रोकोडाइल जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज आप याद रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतने करोड़ों साल पहले पैदा हुए ये और आज पक्षी बने, तो इतना टाइम लगा ये सब हुए। आपको अभी चित्र में दिखाऊंगा कि पहले पक्षी कैसे थे डायनासोर के जमाने में, डायनासोर के जमाने में ऐसे उड़ नहीं सकते थे पक्षी, उनके पैर बड़े मजबूत थे, चोंच भी थी, पूरे बॉडी के फिगर थे, उसकी लंबी टेल थी, ठीक है। तो ऐसे बर्ड, और आपको मैं दिखाऊंगा कि पहले पक्षी का फॉसिल, फॉसिल पता है आप लोगों को, हिमालय में तो काफी मिलते हैं फॉसिल, शायद आप लोग यहाँ मिलते तो आज मिल सकता है, मतलब पहले फॉसिल जो पक्षी के मिले वो ये है। ये सब लोगों ने इस पक्षी का नाम सुना होगा स्कूल में, इसका नाम है आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका, इसको आर्कियो का नाम है पुराना, पेरिक्स का नाम है पुराना उड़ने वाला, उड़ने वाला, और लिथोग्राफी का मतलब जिसका इंप्रेशन पत्थर में मिला, लिथोस का मतलब है पत्थर या मिट्टी, और ग्राफी का मतलब उसके ऊपर इंप्रेशन, समझते हैं। आर्कियो मतलब पुराना ऐसा पक्षी कि जिसका जो प्रिंट है वो पत्थर में मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्कियोपटेरिक्स लिथोग्राफिका। और कहाँ मिला है ये, जर्मनी में मिला है। आपको कार नाम पता है, बीएमडब्ल्यू कार पता है आपको, सबको पता है बीएमडब्ल्यू कार जर्मनी में कहाँ बनती है पता है आपको, नहीं पता। तो ये बनती है बवारिया नाम की सिटी उसमें, और बीएमडब्ल्यू का लॉन्ग फॉर्म है बवारिया मोटर वर्क्स, ओके। तो ये बीएमडब्ल्यू जहाँ मिलती है वहाँ मिला है ये, और कितना पुराना है, 13 करोड़ साल पहले पुराना है ना, 13 करोड़ साल या 15 करोड़ साल। व्हाट्स अप गाइस, मीटिंग अभी ख़त्म हो चुका है, शाम का बज रहे 5, तो भाई लोग सब चला गया। तो आज का वीडियो इतना तक ही था, आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, एंड प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।